परमात्मा की प्राप्ति है वो व्यवस्थाएं नहीं है। जैसे आप वर्ण को समझें तो विश्व तेजस प्राज्ञ सूर्य की तरह शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। आश्रम व्यवस्था को समझें तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये बिल्कुल विश्व तेजस प्राज्ञ सूर्य। राम अवतार को समझें तो शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत विश्व तेजस प्राज्ञ सूर्य। ऐसे कृष्ण को समझे तो कृष्ण प्रद्युम्न संकर्षण और अनिरुद्ध, ये चार अनिरुद्ध जो है वो विश्व और प्रद्युम्न तेजस संकर्षण प्राज्ञ और कृष्ण सूर्य। ऐसे तीर्थों की व्यवस्था को भी समझे तो यही बात निकलेगी। तो कल यहाँ तीर्थ की चर्चा हो रही थी कि चार धाम जो है, चार धाम जगन्नाथपुरी विश्व, रामेश्वर तैज द्वारका प्राज्ञ और बद्रीनाथ सूर्य, सारी ज्ञान की धारा वहीं से बहती है। हमारे महात्माओं ने पहले तत्व की अनुभूति और उसकी प्रक्रिया ठीक ठीक बैठा ली और उसके बाद वर्ण आश्रम अवतार तीर्थ नदी सबकी व्यवस्था। तो ये सब साधारण से साधारण व्यक्ति समझ जाए, माने सबको हम निर्द्वंद्व और राग द्वेष से, निर्द्वंद्व माने राग द्वेष से रहे, जिसमें सुख दुख धर्म अधर्म न हो, कर्म धर्म का द्वंद्व न हो और राग द्वेष का द्वंद्व न हो और सुख दुख का द्वंद्व न हो और पति पत्नी का द्वंद्व न हो, भोक्ता भोग का द्वंद्व न हो, उसी को बोलते हैं निर्द्वंद्व। द्वौ इसी द्वंद्व, जोड़े जोड़े को द्वंद्व बोलते हैं और जिसमें बिल्कुल जोड़ा नहीं हो उसको निर्द्वंद्व बोलते हैं। तो ब्रह्म तत्व जो है वो निर्द्वंद्व है, उसमें जीव ईश्वर का भी जोड़ा नहीं है, उसमें जगत ईश्वर का भी जोड़ा नहीं है, माया और ईश्वर का भी जोड़ा नहीं है और जीव और ईश्वर का भी जोड़ा नहीं है और जगत और ईश्वर का भी जोड़ा नहीं है, एक अखंड परम तत्व सत्य। देखो न इसमें जातीय भेदभाव है मनुष्य और पशु, न इसमें सांप्रदायिक भेदभाव है हिंदू मुसलमान, ये तो अपने अपने फायदे के लिए हो। लोग एक भाव को बढ़ावा देते हैं और दूसरे भाव को हीन बताते हैं। जब कहीं लड़ाई होती है वहाँ किसी न किसी पार्टी का स्वार्थ रहता है, नहीं तो सामूहिक लड़ाई नहीं हो सकती। और ये परब्रह्म परमात्मा तो सबका अपना आत्मा है, सबका अपना आत्मा है, इसमें न पशु और मनुष्य का भेद है न पशु पक्षी का भेद है, न हिंदू मुसलमान है, न इसमें भारत पाकिस्तान है, न इसमें अमीर गरीब है, तो न इसमें वर्ग युद्ध है, न संप्रदाय युद्ध है, न जाति युद्ध है, न राष्ट्र युद्ध है, न प्रांत युद्ध है,
संपूर्ण संघर्षों से परे, वही मनुष्यों से परे, कोई भी वैदिक धर्म के जितने तीर्थ वर्ण आश्रम अवतार हैं, ये ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए प्रतीकात्मक है। उसमें समझ मुख्य है, अनुष्ठान मुख्य नहीं है, स्थिति मुख्य नहीं है। वो अनुष्ठान मुख्य नहीं है, स्थिति मुख्य नहीं है, सदाकार वृत्ति मुख्य नहीं है, सदाकार वृत्ति भी मुख्य नहीं है। अनुष्ठान कर्मात्मक होता है और सदाकार वृत्ति जो है वो अभ्यासात्मक होती है और स्थिति जो है वो अभ्यास का फल होती है। तो अनुष्ठान विश्व में है और सदाकार वृत्ति तेजस में है और स्थिति जो है वो प्राज्ञ में है, और इनसे निरपेक्ष जो है वो आत्म तत्व है। न उसको स्थिति की जरूरत है, न वृत्ति की जरूरत है, न कृति की जरूरत है। कृति शरीर में होती है, वृत्ति मति में होती है, और स्थिति कारण में होती है, और अपना स्वरूप जो है वो सबसे निर्द्वंद है। तो जिस वस्तु को समझाने के लिए वेद वेदांत की प्रवृत्ति हुई है वो विलक्षण है, अपना आपा परम सत्य ब्रह्म है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, द्वैत से बिल्कुल रहे, जिसमें दृश्य प्रपंच भी बाधित होने के कारण, मिथ्या होने के कारण अपने से अभिन्न नहीं है। तो वेदांत का तात्पर्य तो इस परम तत्व में है। अब ये बात बताई, रामचंद्र भगवान का जो व्यवहार है वो जैसा सीता से है वैसे ही भरत से है, वैसे ही लक्ष्मण से है, वैसे ही शत्रुघ्न, वैसे ही सारी प्रजा से है, और वैसे ही वानर से है, वानर से भी वैसे ही है, वानर पशु वैसे ही पक्षी से है, गीत से भी व्यवहार वैसे ही है, कौआ से भी व्यवहार वैसे ही है, और राक्षसों से भी व्यवहार वही है। जो मुक्ति किसी बड़े से बड़े भक्त को मिलती है वही मुक्ति राक्षस को मिलते हैं। तो ऐसा वर्णन किया गया है कि भक्ति मार्ग में स्वामी का कृतज्ञ होना अत्यंत अपेक्षित है। अगर स्वामी कृतज्ञ न हो तो भक्ति मार्ग नहीं चल सकता। कोई उसी की भक्ति क्यों करे, दूसरे की भक्ति करे। तो रामचरितमानस में तो है ही है, श्रीमद् भागवत में ये बात बताई गई है कि राम से बढ़ करके कृतज्ञ कोई सृष्टि में नहीं हुआ है। वो हनुमान के कृतज्ञ, वो बंदरों के, वानरों के बारे में वशिष्ठ जी से कहते हैं रामचंद्र कि रावण पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता इन वानरों ने की है, अगर ये सहायक न होते तो हम रावण को नहीं मार सकते। ये कभी सखा सब मेरे थे, बोले समर बोहिष्ठ हम मेरे। और वानरों से बोल रहे हैं कि वानरों ये हमारे गुरु वशिष्ठ हैं, ये हम लोगों ने जो राक्षसों पर विजय प्राप्त की है ना वो इनकी कृपा से, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। और उनको बोलते हैं, वशिष्ठ को बोलते हैं कि वानरों की सहायता से अपने ऊपर तो कर्तृत्व तो लेते ही नहीं हो, बिल्कुल सूर्य सूर्य तत्व के रूप में स्थित है। तो भक्ति धर्म का प्रवर्तन जो है, यदि कोई स्वामी चाहता हो कि हमारा सेवक हमारी शुद्ध भक्ति करे तो उसको अपने सेवक के प्रति कृतज्ञ होना आवश्यक है। जो वो सेवा कर रहा है उसको समझे। व्यवहार माने देना लेना नहीं होता, देना लेना तो व्यवहार का अत्यंत निकृष्ट अत्यंत स्थूल रूप है। व्यवहार में दो चीज हम लोग मानते हैं, हम लोग माने हमारे भाई बिरादरी, हमारे बाप दादा परदादा, हमारे गुरु परम गुरु सब। एक तो वाणी जो है उससे जो हम बोलते हैं वो हमारा व्यवहार है, और दूसरे हम मन में जो सोचते हैं वो हमारा व्यवहार है। व्यवहार शब्दोच्चारणम स्फुरण रूपो वा। अगर हम अपने मन में किसी को मारते हैं
तो शत्रुता का व्यवहार करते हैं, भले हम बाहर तो उसको हाथ जोड़े और मुस्कुराए, वो राग द्वेष का वही जनक है। तो मानसिक सुरणा और वाणी का व्यापार, तो भगवान रामचंद्र जो हैं, वो उनका व्यवहार बहुत विलक्षण है। वो परशुराम तरीके गाली देने वाले के सामने भी हाथ जोड़ के प्रेम से ही बोलते हैं, रावण से भी प्रेम से ही बोलते हैं, कुंभकर्ण से प्रेम से बोलते हैं, पाली से प्रेम से बोलते हैं। जिसके पास जो चीज होती है, जैसे शक्कर हो ना, तो शक्कर का व्यापारी शक्कर ही तो देगा और क्या देगा। तो मनुष्य को मिठास का व्यापारी होना चाहिए, वो अपने मन से और वचन से मधु का दान करे, मिठास दे रहे। तो भगवान रामचंद्र जी ये विशेषता है। अच्छा, भाइयों के प्रति जो आचरण है बड़ा विलक्षण है रामचंद्र, वो तो देह दिया है उन्होंने, बाप दिया हो, स्वयं राज्य नहीं करते, चारों दिशा चारों भाइयों को बांट दी, तो बाबा हमको तो रोटी चाहिए, ऐश्वर्य तुम लोग ले लो, पूरी है ना, पूरी अगर ऐश्वर्य अपने पास नहीं रख सकते। और पत्नी के प्रति व्यवहार कैसा है आप जानते हैं, बोले तुम्हारे लिए समुद्र को बांट सकते हैं, राक्षसों को मार सकते हैं, बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम। और माता के प्रति कितना प्रेम, पिता के प्रति कितना प्रेम, सेवक के प्रति कितना प्रेम, सारी प्रजा के प्रति कितना प्रेम, ये सब भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में प्रकट होती है। तो जो विरक्त होते हैं ना, उनके लिए तो केवल उपाधि और उपहित और घटाकाश और मथाकाश और महाकाश, जो केवल तत्व ज्ञान में निरत हैं, उनके लिए तो वही चर्चा उपयोगी होती है। लेकिन जो विरक्त नहीं है, व्यवहार में है, वो कहीं अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर व्यवहार का तिरस्कार न करें। वैराग्य से जो व्यवहार का तिरस्कार होता है, उसमें व्यवहार का तिरस्कार नहीं होता है, उसमें तो व्यवहार के मूल में स्थित जो परमात्मा है उसके साथ ऐकात में होता है। और वैराग्य न हो और व्यवहार का तिरस्कार हो गए तो उससे अपराध बनता है। तो व्यवहार की सब बात ठीक ठीक समझ करके अधिष्ठानानुरूप व्यवहार करना चाहिए। अधिष्ठानानुरूप व्यवहार क्या होता है कि जैसे अधिष्ठान रूप परब्रह्म परमात्मा सब में है, इस बात को दृष्टि में रख करके ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि व्यवहार से छूट करके केवल विरक्त ही जंगल में, पहाड़ में, गुफा में रह सकते हैं, और वो व्यवहार की उपेक्षा करने का सामर्थ्य उनके अंदर रहता है। जो व्यवहार में स्थित है उसको व्यवहार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार, तत्व ज्ञान होने पर भोग भी हो सकता है, इसके उदाहरण कृष्ण है। तत्व ज्ञान होने पर राज्य का संचालन भी हो सकता है, इसके उदाहरण राम है। तत्व ज्ञान होने पर समाधि लगानी चाहिए, इसके उदाहरण सुखदेव आदि है। तत्व ज्ञान होने पर बालकवत रहना चाहिए, इसके उदाहरण सनकादि हैं। तत्व ज्ञान होने पर यथेच्छ विचरण करना चाहिए, इसके उदाहरण दत्तात्रेय आदि हैं। तो ये सब बात जो है, और ये व्यवहार तत्व ज्ञान के लिए हो या तत्व ज्ञान होने पर हो, परंतु जहाँ व्यवहार है वहाँ वो बिल्कुल ठीक ही होना चाहिए। ये शास्त्र का इसमें तात्पर्य है। उसके ठीक होने से तत्व ज्ञान के होने में कोई बाधा नहीं पड़ती और होने पर कोई बाधा नहीं पड़ती। का ज्ञान हुए बिना, ये वेदांत का ये कहना है, वेदांत का ये सिद्धांत है, दृष्टा को ब्रह्म जाने बिना अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकते। और बिना वेदांत के तुम अपने को दृष्टा जान सकते हो, परंतु बिना वेदांत के अपने को ब्रह्म नहीं जान सकते। ये वेदांत सिद्धांत की, औपनिषद सिद्धांत की, शंकर सिद्धांत की मूल प्रतिष्ठा है। इसके बिना वेदांत ही नहीं है, इसके बिना वो दूसरे संप्रदाय का अनुजो स्वतंत्र हो सकता है, वो स्वयंभू नेता हो सकता है, वो सांख्य का अनुयायी हो सकता है, वो योग का अनुयायी हो सकता है, वो जैन मत का अनुयायी हो सकता है, वो स्वयंभू हो सकता है। परंतु जहाँ
इस दृष्टा आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है, वहाँ तत्वमस्यादि महावाक्य के अर्थ का बोध नहीं है। ये बात बिल्कुल दो रूप ये वेदांत की बात है। तो ये जो भगवान है ये उपनिषद द्वारा बुद्धि द्वारा निर्गुण ब्रह्म का अधिगमन होता है, माने महावाक्य जन्य बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का बोध होता है, माने आत्मा ब्रह्म ये ज्ञान होता है। कहीं भी ज्ञान का उदय जब होगा तब जन्य ही होगा, सहज स्वभाव से तो आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। जब अज्ञान को मिटाने वाली वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान रूपा वृत्ति जब उदय होगी तो घटक ज्ञान होने से घट का ज्ञान नष्ट होता है, परंतु घटक ज्ञान जन्य होता है। माने आंख से घड़े को देखते हैं तब हृदय में ज्ञान का उदय होता है, तब घट विषय का ज्ञान दूर होता है, ये प्रणाली है ना। तो ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो ज्ञान है वो भी जन्य होता है, बोला जन्य जन्य माने उसको पैदा होना पड़ता है हमारे हृदय में। अगर पैदा नहीं हो, जो ज्ञान है वो अज्ञान को मिटाने में समर्थ नहीं है, माने ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो तो हमेशा से है, पर उसके रहते हुए भी अज्ञान बना हुआ है, वो तो सबके हृदय में है पर अज्ञान बना हुआ है। तो जो आत्मा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो अज्ञान को मिटाने का काम नहीं करता, वो न किसी को बनाता न किसी को मिटाता, परंतु अज्ञान को मिटाने वाला जो ज्ञान होता है वो जन्य ज्ञान होता है। अच्छा, तो अब देखो ब्रह्म विषय ज्ञान का जन्म कैसे हो, हमारे अंतकरण में वो पैदा कैसे हो। तो यदि रूप का ज्ञान प्राप्त करना होता तो आंख से देख करके पैदा होता, और गंध का ज्ञान प्राप्त करना होता तो नाक से सुन के होता, और स्वाद का ज्ञान होता तो जिह्वा से चख के होता, शब्द का ज्ञान होता तो कान से सुन के होता, और स्पर्श का ज्ञान होता तो त्वचा से होता। और यदि कभी देखी हुई चीज का ज्ञान प्राप्त करना होता तो उसमें स्मृति और विचार काम देते। एक ऐसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना जिसको बुद्धि ने कभी देखा ही नहीं, तो वो ज्ञान बाघ के जन्म होता है ना, वहाँ बाघ ज्योति काम देती है। बाघ ज्योति वो तत्वमस्यादि महावाक्य से उपनिषद से उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जो न अब तक किसी इंद्रियों से देखा है, न कभी मन के ध्यान में आया है, न कभी बुद्धि का विषय हुआ है, क्योंकि जो आत्मा की अनंतता है वो बुद्धि के द्वारा केवल कल्पित ही हो सकती है और साक्षात्कार उसका नहीं हो सकता। तो उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए जो ज्ञान होता है वो उपनिषद से उत्पन्न होता है, बोला उसके लिए तत्वमस्यादि महावाक्य की जरूरत पड़ती है। जो है वो बनाने मिटाने के लिए उपयोगी नहीं है, जो उपनिषद से ज्ञान आवेगा तो अज्ञान को मिटावेगा, और अनंत का ज्ञान बिना वाक्य के बिना उपनिषद के। अब ये कहो कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं तत्वमसि, बोले बहुत बढ़िया, वो बात के जन्य ही होगा। तो फ्रेंच में बोलते हैं, रशियन में बोलते हैं, किसी भी भाषा में बोलो, पर उसका अर्थ ये होना चाहिए कि ये जो तुम्हारे मैं पद का शोधित अर्थ है, माने तुम्हारा जो सच्चा स्वरूप है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अनंत परिपूर्ण अविनाशी अद्वितीय है, उसमें प्रपंच की सत्ता बिल्कुल नहीं है, ये ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान का यही स्वरूप है तो तुम किसी भी भाषा के द्वारा बिना बताए नहीं सीख सकते, चाहे व्याख्यान सुन के आओ चाहे चले जाओ किसी का व्याख्यान सुन के आओ। एक हमारे मित्र थे, वो कहते थे गुरु बिल्कुल मत बनाना। तो बोले महाराज फिर क्या करें, कि मैं जो कहता हूँ सो करो। हम गुरु बनाने के बाद विरुद्ध ये गुरु का मुर्दा मुर्दा हम नहीं मानो, शास्त्र मत मानो, सुनो मत, श्रद्धा मत करो, मानो मत। तो तब करें कि आखिर महाराज का जो मैं बोलता हूँ वो मानो, वो सुनो, उस पर विचार करो, उपनिषद पर विचार मत करो, जो मैं बोलता हूँ उस पर विचार करो। तो अभी श्रोता लोग भी तो तरह तरह की बुद्धि लिए जाते हैं ना,
अब उनकी अकल से अगर ये बात न समाये तो हम क्या करें। वो भी जो बोलते हैं सो उपनिषद के अनुसार ही बोलते हैं। तो ये जो देखो चंद्र वंश में भगवान की उत्पत्ति, असल में भगवान का जो अवतरण है वो दो प्रकार का है, एक सूर्य वंश में और एक चंद्र वंश में। तो सूर्य वंश दो स्थान पर है, एक नेत्र में, तो उससे धर्म क्रिया होनी चाहिए बोला, और एक बुद्धि में। बुद्धि में कैसे है, धियो यो न प्रचोदयात् सवितुर्वरेण्यम भर्गो धीमहि देवस्य सवितुः वरेण्यम भर्गो धीमहि यः न धियः प्रचोदयात्। वो बुद्धि प्रेरक। तो ये चंद्रमा कहाँ है, एक ओर तो है बुद्धि और एक ओर है नेत्र, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में चंद्रमा है। स्थूल सृष्टि और बौद्ध प्रत्यय रूप सृष्टि, उन दोनों के बीच में चंद्रमा का निवास है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा है। अच्छा, अब चंद्रमा जो है वो मन का अधिदेवता है। तो असल में ईश्वर को ढूंढने के लिए दो चीज चाहिए, एक खोज चाहिए और एक खोज में दिलचस्पी चाहिए। जो खोज तो करता है लेकिन दिलचस्पी नहीं है, उसको कभी कोई खींचने वाली चीज मिल जाएगी वो खींच लेगी, और दिलचस्पी तो है लेकिन समझने की बुद्धि नहीं है तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रियता। तो मनस तत्व जो है वो प्रियता प्रधान है और बुद्धि तत्व जो है वो अनुसंधान प्रधान है। तो ये चंद्र प्रधान जो देवता होते हैं ना, देखो क्या बोलते हैं हम लोग, रामचंद्र कृष्णचंद्र, इसमें प्रियता आती है। और ऐसे तो नहीं बोलते हैं, आपने विष्णु चंद्र कभी सुना है, नारायण चंद्र, ब्रह्मचंद्र, निर्गुण चंद्र। निर्गुण में चंद्रत्व नहीं है, ब्रह्म में चंद्रत्व नहीं है, नारायण में विष्णु में चंद्रत्व नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक तो होती है वासना जो हमारे जीवन को खींचती है और एक होती है बुद्धि। तो जिसकी वासना क्षीण हो गई है वो तो केवल बुद्धि के द्वारा परमात्मा की खोज कर सकता है, परंतु जिसके चित्त में वासना मौजूद है वो बारंबार विघ्न डालती रहेगी, प्रतिबंध उत्पन्न करती रहेगी। तो उस वासना को भी भगवान ने लगाया जाए, इसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय ये है कि चंद्र वंश में भगवान का अवतार हो, माने मन में भगवान आने, और हम अपने प्रेम को भगवान के साथ जोड़ें, और बुद्धि में भगवान आवे, हम अपनी खोज को भगवान के साथ, परमार्थ के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ें। ये पुराणों का ये दृष्टिकोण है बोला। अच्छा, अब आपको एक बहुत हल्की फुल्की बात भी सुना देते हैं। एक ग्रह है पृथ्वी, एक ग्रह है चंद्रमा, एक ग्रह है बृहस्पति। तो एक समय ऐसा आया कि चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में एक तारा थी, तारा हो यही तारा जो खगोल की बात करते हैं। बृहस्पति एक ग्रह आकाश में होता है, अब आजकल कहाँ है कहो तो हम गिन के बता दें। वो जब सिंह राशि पर आता है तो नासिक में कुंभ लगता है, तो आजकल वो कब उदय होता है, कब अस्त होता है, आकाश में शाम को कहाँ दिखता है, सुबह को कहाँ रहता है, ये सब बात हम उंगली पर गिन के आपको बता सकते हैं। हम पहचानते हैं बृहस्पति को, बुध को पहचानते हैं, बृहस्पति को पहचानते हैं, शुक्र को पहचानते हैं, मंगल को पहचानते हैं, आकाश में जो तारे हैं ना, और जब 8-6 बरस 7 बरस के थे तब से पहचानते हैं। तो चंद्रमा और बृहस्पति, तो चंद्रमा भी दो तरह के होते हैं, एक चंद्रमा वे होते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, एक चंद्रमा वे होते हैं जो बृहस्पति की परिक्रमा करते हैं। तो एक बार एक तारा पहले तो बृहस्पति के साथ साथ बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा था, बृहस्पति की पत्नी के रूप में था, सहचार्य पत्नी माने सहचार्य। बाद में उस पर चंद्रमा का आकर्षण पड़ गया तो वो बृहस्पति ग्रह को छोड़ करके चंद्रमा की ओर खींच गया, ये तारा की कथा है।
बृहस्पति ने कहा कि ये सारा हमारी ओर खींचनी चाहिए, दोनों में आकर्षण विकर्षण का युद्ध हुआ। बृहस्पति अपनी ओर उस तारे को आकृष्ट करे और चंद्रमा अपनी ओर आकृष्ट करे, आकर्षण विकर्षण में द्वंद्व हो गया हो द्वंद्व। अंत में और ग्रहों की शक्ति बृहस्पति की ओर, और ग्रहों की शक्ति चंद्रमा की ओर, शुक्र जो है वो चंद्रमा के मददगार हो गए और इंद्र बृहस्पति के मददगार हो गए और नारायण द्वंद्व हुआ। तो द्वंद्व में अंत में तारा में से एक टुकड़ा, वो तारा जो था ना उसमें से एक टुकड़ा अलग हो गया। अलग हो गया तो ये हुआ कि ये किधर जाए, तो ब्रह्मा ने ये निर्णय किया कि ये टुकड़ा चंद्रमा की ओर जाएगा और तारा जो है वो बृहस्पति की ओर चली जाए। दोनों द्वंद्व में ये हुआ कि एक हिस्सा तारा में से निकला और वो बुध, उसका नाम हुआ बुध, हरिण मणि है वो, हरे रंग का होता है बुध, बुध में हरा रंग है, बृहस्पति में पीला रंग है, चंद्रमा में श्वेत रंग है। वो सब संयम करने से, सब संयम करने से मालूम होता है ध्यान में इनका रंग ऐसा क्यों है, ये बात मालूम पड़ती है। हो तो वो बुध ग्रह जो है, बृहस्पति ने भी कहा कि बुध को हम लेंगे और चंद्रमा ने भी कहा कि हम बुध को लेंगे। ये तो आपको ग्रहों का झगड़ा बताया, ये ग्रहों का बिल्कुल खगोल का, खगोल का माने आकाश के तारों के युद्ध का निरूपण है। अच्छा आप उस बात से छोड़ दो, इधर भगवान की तरफ आओ। चंद्रमा चंद्राधि दैवत जो मन है, उस मन में भगवान का स्मरण चिंतन करने से भगवान का अवतार होता है, अवतरण होता है। जिसका स्मरण करोगे, जिसका चिंतन करोगे, तुम्हारे अंतकरण में वैसी शकल बन जाएगी और वैसी शकल बनने पर और वासनाएं तो निकल गई और उतनी जगह खाली हो गई, उसमें भगवान बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम दिखाई पड़ने लग गए। ये एक उत्तार होता है, एक अवतार होता है। मनुष्य जिस वासना की भूमि में गिरा हुआ है, उससे उठ करके जब संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, तब उसका उत्तार होता है। उत्तार होता है माने वो नीचे से ऊपर गया, उद्धार हुआ उसका। और भगवान जब ऊपर से नीचे आते हैं तब उसका नाम अवतार होता है। और उसका सहारा लेकर के हम परब्रह्म परमात्मा को समझ सकते हैं। अब ये प्राप्ति के लिए अपना प्रेम भगवान के साथ जोड़ना पड़ता है। जो भगवान के साथ प्रेम नहीं जोड़ेगा, हम ये बात देखो बोलते हैं कि यदि ज्ञान के साथ भक्ति न मिले तो सगुण ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति प्रधान होगी और ज्ञान गौण होगा, तब राम कृष्ण शिव नारायण सगुण ईश्वर की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान प्रधान होगा, भक्ति गौण होगी, तब निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और सगुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, सगुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अभी तो हम कहते हैं कि सगुण ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है और ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान में, एकता के अनुभव में, साक्षात्कार में ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र है। सत्ता परमार्थ है और अंतकरण और उसमें भक्ति और उसमें भगवान की प्राप्ति, ये व्यावहारिक सत्ता है, व्यवहार सत्ता है। वो तो व्यवहार सत्ता परमार्थ का बाध करने में समर्थ नहीं है और परमार्थ व्यवहार का विरोधी नहीं है, इसलिए ब्रह्म भक्ति का विरोधी नहीं है। ब्रह्म भक्ति का विरोधी नहीं है हो, और भक्ति अंतकरण में रहे तो उससे ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान की कोई हानि नहीं है। जागृत में ब्रह्म रहे और स्वप्न में भक्ति रहे तो जागृत का ब्रह्म मर गया कि जागृत के ब्रह्म ने स्वप्न की भक्ति को मार दिया, दोनों की दो सत्ता है ना। बाध्य बाधक भाव समान सत्ता में होता है, बाध्य बाधक भाव विषम सत्ता में नहीं होता। ये वेदांत का समुद्घोष है। स्वप्न की प्यास जागृत के जल से नहीं मारी जा सकती और जागृत की प्यास स्वप्न के जल से नहीं बुझाई जा सकती। तो भक्ति जो है उस सत्ता में है जिसमें अंतकरण है, जिसमें जगत है,
जिसमें जगत का निर्माता है, जिसमें जगत के निर्माता का अवतार है, उस व्यावहारिक सत्ता में भगवत भक्ति उतनी सच्ची है जितनी हम तुम बोलना प्रेम कोटि व्याख्यान श्रवण जितना सत्य है उतना सत्य भगवत भक्ति है। और अबाध्य जो सत्ता है, जो अखंड अनंत अद्वितीय परिपूर्ण अविनाशी परमार्थ तत्व का बोध होने पर भी जिसका बाध नहीं होता, ऐसी जो आत्म सत्ता है, परमार्थ सत्ता, अखंड सत्ता, उसमें न जगत है, न जगत का निर्माता है, न निर्माता का अवतार है, न अवतार की भक्ति है। अब तुम बैठे कहाँ हो देख लो, तुम्हें परमार्थ का बोध हो गया कि नहीं हुआ। अपनी बैठक देखो कि जिन लोगों की दृष्टि व्यावहारिक है उनकी जिज्ञासा कैसे पूर्ण है, केवल मूर्खता से। यदि तुम ये समझोगे कि वेदांत में सुख ही नहीं है, परमानंद ही नहीं है, तो वेदांत में रुचि कहाँ से होगी। इसलिए शरीर में सोम तत्व जो है वो भी भगवान में लगाना और सौर तत्व जो है वो भी भगवान में लगाना। शरीर में दो तरह के तत्व, ये अग्नि सोम बोलते हैं, तो वेद में इसका नाम है अग्नि सोम। शरीर में एक जलाने की शक्ति है, गर्मी है, और एक शीतल करने की शक्ति है। तो जलाने वाली शक्ति से अज्ञान को जलाओ, और जो सोमात्मक शक्ति है उससे अपना प्रेम भगवान में जोड़ो। तो ये विचार भी हमारे महापुरुषों ने प्रकट किया है। देखो ये प्रसंग बस हमारे तो बचपन से जिसको बोलते हैं ना, हमारा तो बिल्कुल शास्त्रीय सनातन धर्मी मस्तिष्क है बिल्कुल। और नारायण हम सनातन धर्म की, पुराण की, वेद की, उपनिषद की एक एक बात कहने का क्या भाव है, उसको तुम मानो मत मानो, तुम्हारी समझ में आवे ना आवे, पर किस सच्चे, किस सद्भावना से, किस सद अभिप्राय से वो बात शास्त्र में कही गई है, उसका जो सद्भाव है ना, उसमें जो सद अभिप्राय है उसकी व्याख्या हमको मालूम है ना। तो कर्म की बात आपको सुनाते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है, ब्रह्म की बात तो आप बहुत सुन चुके हैं, ब्रह्म की बात जरा कम सुनते हैं। स्त्री शरीर सोम प्रधान होता है, सोम प्रधान मान चंद्रमा प्रधान, और पुरुष शरीर जो है वो सौर तत्व प्रधान होता है। ये दोनों में फर्क है, समान अधिकार मिले तो तुम भोग समान ले लो, है ना, असेंबली में जाके समान रूप से बैठो, तुम राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, संसद सदस्य बनो, राजदूत बनो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गर्भाधान स्त्री की जगह पुरुष के शरीर में नहीं हो सकता, ये प्रकृति का नियम है। सोम ही ग्रहण प्रधान होता है, सौर जो है वो ग्रहण प्रधान नहीं होता, वो नाश प्रधान होता है। मान ली हम मानते हैं, स्कूल में मानते हैं, कॉलेज में मानते हैं, वोट में मानते हैं कि स्त्री पुरुष का समान अधिकार है, परंतु गर्भाशय जो है वो प्रकृति की ओर से स्त्री के शरीर में आता है, पुरुष के शरीर में नहीं आता। इसलिए दोनों के क्रियाकलाप में भी बोला थोड़ा भेद होता है। वीर्य का निर्माण पुरुष के शरीर में होता है, स्त्री के शरीर में नहीं होता। तो अब ये देखो, ये प्राकृत भेद है कि नहीं, ये ईश्वरीय भेद है कि नहीं है। बोले जो स्त्री से पुरुष में आत्मा तो एक है, ठीक है, और पंचभूत दोनों के शरीर में एक है, ये भी ठीक है, दोनों का शरीर प्रकृति से बना है, ये भी ठीक है, दोनों का ईश्वर एक है, ये भी ठीक है, दोनों में आत्मा है, ये भी ठीक है, परंतु ये जो वीर्य प्रधान पुरुष और गर्भाशय प्रधान स्त्री, ये जो भेद है ये उनके क्रियाकलाप में उनके से, ये पुरुष को रजो धर्म नहीं होता है, क्यों नहीं होता, करो ईश्वर की अदालत में दावा, ये अन्याय स्त्रियों के साथ क्यों किया। तो ये अब देखो, तो सोम प्रधान शरीर में जहाँ चंद्र जुड़ता है ना, चंद्र मनश्चंद्र, मन को रस मिले, स्वाद मिले, रसक ग्रहण करना जो है ये सोम प्रकृति है। ये कभी कभी पुरुष में भी होती है रसक ग्रहण करना, ये प्रकृति पुरुष में भी होती है। तो धर्म भेद क्यों है? देखो अग्नि 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 तत्व की जो उपासना है ना, वाप अग्नि और वाप और वेद के मंत्र का उच्चारण, ये अग्नि तत्व प्रधान है, और कल्पना योजना
स्वप्न, घर गृहस्थी को सुखमय बनाना और सृष्टि को रसमय बनाना, ये स्त्री शरीर का काम है। धर्म का विभाग करते समय त्याग प्रधान पुरुष धर्म, तप प्रधान नार्या। कर्म मीमांसा दर्शन में, भारतवादी कर्म मीमांसा दर्शन में ये सूत्र है, त्याग प्रधान पुरुष धर्म, पुरुष का धर्म त्याग की प्रधानता से होता है और स्त्री का धर्म तपस्या के संयम की प्रधानता से होता है। तपस्या की प्रधानता से स्त्री धर्म होता है, ये सोम धर्म में और सूर्य धर्म में ये फर्क होता है। तो ये रसाधिक की बात है, वेद का आविर्भाव कहाँ होता है इसको हम आपको सुनाए। ये तुम जीव सिद्ध शब्द बोलते है ना, जाप के द्वारा शब्द का उच्चारण होता है। जीव ही केवल शब्द नहीं बोलती है, इसके भीतर एक वैखरी वाणी है और इसके भीतर मध्यमा वाणी है, वो भी शब्द बोलती है। उसके भीतर पश्चिम की वाणी है, वो भी शब्द बोलती है। उसके भीतर परा वाणी है, वो भी शब्द बोलती है। माने वाणी के चार भेद है, परा, पश्चिमी, मध्यमा और वैखरी। ये जितना हम लोग सुनते जानते हैं उतनी सृष्टि नहीं है, इससे भी सूक्ष्म है। जैसे अभी आपके पास रेडियो यंत्र है ना, रेडियो है, तो तत्काल का बोला हुआ कहीं भी बोला जा रहा हो, अमेरिका में, रूस में, चीन में, अफ्रीका में, तो आपका रेडियो पकड़ लेता है। क्या आप ऐसी रेडियो की संभावना करते हैं कि जो भूत में बोला गया हो उसको भी पकड़ ले? माने जो अब से 6 महीने पहले चाइना रेडियो ने चाइना से ब्रॉडकास्ट किया गया था, उस शब्द को भी पकड़ने वाला रेडियो बन सकता है कि नहीं? अच्छा, अब से 6 महीने बाद क्या ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, इसकी कल्पना कैसे होगी? माने आप देखो, तो ये जो हमारे महात्मा लोग थे ना, ये क्या करते थे कि जिन प्रक्रियाओं से आप एक भौतिक यंत्र बना करके और दूर दूर के शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रक्रिया से आप कल्पना करो कि वे अपने शरीर में ऐसे यंत्र का निर्माण कर देते थे, अपने श्रोत्र यंत्र को, अपने हृदय यंत्र को वैसी परिस्थिति में ले जाते थे कि जिससे आकाश में बिखरे हुए जो सूक्ष्म शब्द हैं उनका ग्रहण हो सके और जो पहले से भी बिखरे हुए शब्द हैं उनका ग्रहण हो सके। अब आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे, ये तो आपकी बुद्धि पर, समझ पर आधारित है। मसूरी के पास एक शिला है, उसके एक सज्जन एकांत में जाके बैठते थे और एक पुस्तक उन्होंने लिखी और 50 वर्ष बाद उसी शिला पर बैठ के दूसरे व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी और दोनों में बिल्कुल एक ही बात थी, केवल नाम का ही फर्क था। जब दोनों पुस्तक लोगों के सामने आई तो ये हुआ कि न ये चोर न वो चोर, जो पहले हुए वो तो चोर होते ही कैसे और जो पिछले हुए ये बड़े सत्पुरुष है, ये भला चोरी कैसे करेंगे? दोनों के दिमाग में ये बात कैसे आई? तो फिर एक अनजान आदमी को फिर उस शिला पर बैठा गया, तो बिल्कुल वही विचार उनके दिमाग में आने लगे। एक अनजान आदमी को उसने बताया गया, ये ब्यावर के महामहोपाध्याय पंडित राम प्रताप शास्त्री थे, उनके पुत्र रसिक बिहारी जोशी अब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और राजपंचाध्यायी पर जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा है ना, वो रसिक बिहारी जोशी के पिता की बात है। बोलो तो हमको मिलते थे, हमारे पास आते थे ब्यावर के महामहोपाध्याय पंडित राम प्रताप शास्त्री, उनके वंश के लोग मुंबई में भी पहले हमको मिलते थे, जोशी वंश का, इंदौर में बैंक के कोई बड़े अफसर है। तो आपको इसलिए बताया कि ये जो वेद का उद्गम होता है
ये वेद के उद्गम के लिए अपने को एक ऐसी मनस्थिति में ले जाना पड़ता है। एक साधारण सी बात बताता हूँ, हमारी उम्र उस समय 19-20 वर्ष की रही होगी और चक्र जी हमसे सुदर्शन संगीत चक्र जिनका कल्याण में कहानी वहानी आती है ना, वो हमसे 2 वर्ष छोटे हैं, हम लोग साथ ही थे। तो एक दिन ट्रेन में कहीं अयोध्या से हम लोग जा रहे थे, वो अलग बैठ के कुछ लिखने लगे और हम अलग बैठ के लिखने लगे, कविता लिखने लगे हो तो हम दोनों ने एक ही कविता लिखी, पुरानी नहीं, नई, उन्होंने भी नई कविता लिखी वही और मैंने भी नई कविता लिखी वही। तो ये क्या हुआ, तो ये जैसे बाह्य तत्वों का मिश्रण होता है ना, ऐसी मनस तत्व का भी, मनस तत्व का भी मिश्रण होता है। हम स्वप्न में ऐसे श्लोक देखते हैं, हमको सुनाई पड़ते हैं, हमको लिखे हुए दिखाई पड़ते हैं, जो आज तक हमने कम से कम इस जन्म में न देखा है न सुना है। तो वो कहाँ से आते हैं, आप देखो, इसी को वेद का उद्गम बोलते हैं। तो पहले से विद्यमान ज्ञान प्रकाशक शब्द राशि का बुद्धि की अधिक अमुक अवस्था में आविर्भाव होता है। जैसे एक ही कल्पना दो के मन में आती है, एक ही बुद्धि दो के मन में आती है, एक ही स्मृति दो के मन में आती है, ऐसे पहले से जो ज्ञान राशि वेद है वो सृष्टि के अमुक स्तर में शब्दों का शब्द एक तत्व है। जैसे मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, आकाश है, हैं? ऐसे शब्द नाम का एक तत्व है, मन नाम का एक तत्व है और मन की अमुक स्थिति में उनका आविर्भाव होता है। हम एक हाई स्कूल में एक दिन गए, वहाँ लोगों ने बताया श्री महाराज यहाँ तो ईश्वर हार गया। कैसे हार गया ईश्वर भाई? तो बोले कल एक बड़े अच्छे कम्युनिस्ट बच्चा आए थे और उन्होंने बच्चों के बीच में व्याख्यान दिया और खूब ताली पिटवाई और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर पहली अव्वल बात तो ये है कि ईश्वर कभी था ही नहीं और दूसरी बात ये है कि अगर कभी था भी तो अब मर चुका है। अच्छा, और तीसरी बात ये है कि ईश्वर के नाम पर जो लोग तुमको कुछ बताते हैं वो तुम्हारी बुद्धि में जार भरते हैं। ऐसे वो कम्युनिस्ट सज्जनों हाई स्कूल के बच्चों से ताली पिटवा ली और ईश्वर वहाँ हार गया। तो जिन लोगों ने इस विषय में, ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में कुछ अध्ययन नहीं किया है, स्वाध्याय नहीं किया है, वो जो है जब नास्तिकों की बात सुनते हैं तो उनकी बुद्धि हार जाती, ईश्वर नहीं हारता है, उनकी अक्कल हार जाती है, वे हार गए, ईश्वर नहीं हार गया। बोला तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जीवन में, तो ये वेद का उद्गम कहाँ होता है, तो एक अंतरतम दशा में होता है और मनस तत्व की प्रधानता और बुद्धि की गौणता इसमें होती है। भक्ति और बुद्धि की प्रधानता और मनस तत्व माने दासना की गौणता का इसमें होता है ज्ञान। बोला इसमें होता है ज्ञान, वासना मन, मन गौण हो जाए और ज्ञान प्रधान हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान गौण हो जाए और वासना प्रधान हो जाए, मनस तत्व प्रधान हो जाए तो या तो संसार में विषया शक्ति होगी और या तो भगवदा शक्ति होगी। तो इसलिए भक्ति का सामर्थ्य बताने के लिए वेद की उत्पत्ति का वर्णन किया हुआ है। अब इस भगवत पुष्टि के मार्ग में यदुवंश का निरूपण इसके बाद आता है। यदुवंश में बड़े ही विलक्षण हुआ, यदु का मूल वंश देखें तो बिना देवांश हुए भगवान का जन्म कैसे होगा, दैत्यांश में जन्म भगवान का नहीं हो सकता। तो अर्जुन जो है ना, अर्जुन ये है तो चंद्रवंशी पर परशुराम जी इसको मारते हैं। क्यों मारते हैं कि असल में ये सहस्त्र अर्जुन जो है ये गर्व है, गर्व अभिमान है,
हमारे हजार गांव है, माने हम हजार कारखाने खोल सकते हैं, ऐसे समझो, क्या हम हजार धनुष बाण एक साथ चला सकते हैं? तो ये जो अपने कर्म के सामर्थ्य का अभिमान है वो सहस्त्रार्जुन में है, इसके लिए भगवान परशुराम का जन्म होता है। ब्राह्मण में मंत्र रहते हैं और गाय में हविष्य रहता है और यज्ञ रूप है भगवान परशुराम। बिना यज्ञ के कर्म की शुद्धि नहीं होती, बिना ईश्वरार्पण किए कर्म की शुद्धि नहीं होती। तो इसने क्या किया सहस्त्रार्जुन ने, कि पहले जाके जाय सिंह जो उनकी कामधेनु, तो होम में जो हविष्य होता था उसका नाश हो गया। उसके बाद उसने जमदग्नि को ही मार डाला हो और उन लोगों ने, तो ब्राह्मण का भी नाश हो गया, माने मंत्र और हविष्य दोनों का उन्होंने नाश कर दिया। और बड़ी विचित्र बात है, जब सहस्त्रार्जुन को मारा परशुराम जी ने, तो जमदग्नि ने क्षमा की बड़ी भारी प्रशंसा की, बोले हम ब्राह्मण हैं, क्षमा करना जो है वो हमारा विशेष गुण है, परंतु भगवान के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिस जिसने हस्तक्षेप किया उस उसकी हानि हुई, ये हम पुराणों में से आपको बता सकते हैं। तो नारायण श्री कृष्ण के काम में भी हस्तक्षेप करने से हानि होती है। देखो बलराम ने कहा, आपको याद होगा, बलराम ने कहा कि तुमने रुक्मिणी के भाई अपने साले रुक्मिणी को रथ से बांध दिया, कृष्ण ने बहुत अंकित किया, ये बात आप दुर्गम स्कंध में पढ़ेंगे। तो अपने संबंधी को कोई ऐसे विरूप करता है और रथ से बांधता है, तो कृष्ण तो हंसी आ गई। बाद में क्या हुआ आपको मालूम है, उस रुक्मिणी को बलराम जी ने अपने हाथ से मार दिया और कृष्ण को उस समय भी हंसी आ गई कि मैंने तो जरा सा उसको बांध दिया था, तब ये हमको भला बुरा कह रहे थे और अब खुद उसको मार रहे हैं। भगवान के काम में बाधा डालने से ऐसा होता है, सब अवतारों में ऐसा हुआ है।